शिवाशियन अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो जैसे कि आप लोगों को पता है, इसका बहुत 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 शेयर हो चुका है कि आज का सेशन क्या होने वाला है। आज का सेशन, आज का सुनो अपनी दिल की आवाज का फिफ्थ सेशन होने वाला है, और ये फिफ्थ सेशन में कुछ अलग होने वाला है। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ जेम्स लोगों का आवाज सुनते हुए आई है, लेकिन आज आज वो इंतजार खत्म हो चुका है हर लड़की के लिए, हर लेडीज के लिए आज वो इंतजार खत्म हो चुका है। आज हम लोग सुनेंगे एक लेडीज की आवाज, एक वीमन की आवाज, आज एक वीमन की वॉइस हम लोग सुनेंगे। आज ये फिफ्थ सेशन में, आज ये फिफ्थ सेशन ऑफ सुनो अपनी दिल की आवाज में हम लोग सुनेंगे एक लड़की की आवाज। सो ये जो आज का जो सेशन है, ये सेशन को सुनने के लिए हम लोग लड़की लोग तो एकदम इंतजार करके बैठे थे बहुत टाइम से कि लेडीज का वॉइस कब आएंगे। हम लोग बहुत सारे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर सेशंस किए हुए हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग्स किए हुए हैं, लेकिन आज एक लाइव टेस्टिमनी आने वाले हैं। आज एक लाइव टेस्टिमनी आने वाले हैं कि लड़की जो चाहे वो कर सकते हैं। हर लेडीज, अगर लेडीज के अंदर वो क्षमता है तो वो क्षमता दिखा सकते हैं। आज वो लड़की आने वाले है जो सब कुछ हासिल कर चुके हैं, एंड नॉट ओनली दैट, सबसे बड़ा बात जो है वो है ओनली इन 3 months क्राउन एम्बेसडर रैंक अचीव किए हैं SHPL के साथ। सो उनका जो जर्नी है ओनली 3 months हुआ है SHPL में, और वो भी लॉकडाउन के अंदर में। ये 3 months आप लोगों को पता है कि क्या सिचुएशन चल रहा था, ये पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर में ओनली विद इन 3 months ऐसा एक अचीवमेंट, और वो भी एक लड़की ने किया है, एक लेडीज ने किया है ऐसा एक अचीवमेंट। सो ये आज का जो सेशन है वो सिर्फ मेरे लिए या फिर शर्वाशियंस के लिए नहीं है, वो सबके लिए है, सब लेडीज के लिए, हर घर में लेडीज के लिए है, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है वो एक इंस्पिरेशन है हर लेडीज के लिए। सो मैं उतना टाइम वेस्ट ना करते हुए, सो आई एम अनुषा सेन फ्रॉम SHPL ट्रेनिंग डिपार्टमेंट शिक्षा, मैं मेरे दिल से वेलकम करना चाहती हूँ वो लेडी को जो आज सबको अपना दिल की आवाज सुनाएंगे, एंड हम लोगों को इंस्पायर्ड करेंगे, एंड हम लोगों को लाइफ का गोल को चेंज करने के लिए एक नया दिशा दिखाएंगे। सो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोग एंड तक रहिए और लाइव को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आज ये सेशन देखने के बाद हर लड़की का लाइफ घूम जाएगा, और सिर्फ लड़की का ही नहीं, जेंट्स लोगों का भी, क्योंकि जेंट्स लोग अगर लेडीज लोगों को ज्वाइन करते हैं टीम में तो फिर टीम का एम्पावरमेंट और भी बढ़ जाता है। सो विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट आई वुड लाइक टू वेलकम द ग्लैमरस, द डेलिकेटेड लेडी ऑफ टुडेज इवनिंग, द वन एंड ओनली मिसेस शिल्पा परमार। प्लीज वेलकम, और आप लोग जहां पे भी हो प्लीज जोरदार तालियां बजाइए दिल से मैम के लिए इतने अच्छे अचीवमेंट एंड इतने अच्छे रैंक अचीव करने के लिए। सो कंग्रेचुलेशंस मैम, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट योर सेशन। मैम प्लीज अनम्यूट योर वॉइस मैम। सॉरी, थैंक यू सो मच मैम, आपका जोश देख के और ज्यादा मुझे जोश आ चुका है। माई सेल्फ शिल्पा परमार फ्रॉम पुणे। दोस्तों, एक बचपन से मेरा एक सपना था कि मैं आप लोगों को अपनी दिल की आवाज तक, दिल की आवाज दूं। आज वो आ चुका है, मैं अपनी दिल की आवाज आप तक पहुंचाऊं दोस्तों। इसलिए सबसे पहले थैंक्स करना चाहती हूँ परमपिता परमात्मा का, जिनकी वजह से आप हमारे सामने और मैं आपके सामने हूँ। उसके बाद थैंक्स करना चाहती हूँ हमारे कंपनी के MD सर का, जिन्होंने इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म लाया जिससे हर लेडी, हर शख्स अपने सपने पूरे कर सकता है, और हमारी पूरी मैनेजमेंट, इंटायर टीम का थैंक्स।
थैंक्स करना चाहती हूँ जिनका सपोर्ट और साथ हमारे सबके साथ में है, और उसके बाद हमारे विन टू विन परिवार का सिस्टम का, जिन्होंने हर समय गाइडलाइन देना, हर समय हमारा सपोर्ट साथ सब तरह से, और हमारे सारे अप्लायंस का, दोस्तों सारे अप्लायंस और सारे लोगों का थैंक यू के बाद हमारी जबरदस्त हमारी लवली टीम और लवली लीडर्स का, क्योंकि उनके बिना मेरा यहाँ आना पॉसिबल नहीं था। दोस्तों आज का जो भी क्रेडिट जाता है मेरी पूरी टीम को जाता है, जिनका साथ सपोर्ट और विश्वास किया, जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम तक आई हूँ। और दोस्तों बोलते ना कि जिंदगी में सारे थैंक यू, लेकिन जिन मम्मी पापा ने मुझे जन्म दिया उनके लिए मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहती हूँ, कि जिन्होंने मुझे दुनिया दिखाई। जरूर वो समाज और दुनिया की वजह से कभी मेरे सपोर्ट में खड़े नहीं रहे, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, मम्मी आपने जो दुनिया दिखाई और आपने जो संस्कार दिए उससे आपकी बेटी बनके आज बेटे का नाम रोशन कर रही है। तो मेरी लाइफ के बारे में कुछ बताने से पहले कुछ लाइनों के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। हमने भी जमाने के दोस्तों, हमने भी जमाने के कहीं रंग देखे, हमने भी जमाने के कहीं रंग देखे, कभी धूप कभी कभी बारिश के संग, जैसे जैसे मौसम बदला अपने ही बदलते हुए लोगों के रंग देखे, दोस्तों अपने ही बदलते हुए लोगों के रंग देखे। मैं उन दिनों की बात कर रही हूँ जब मायूस होया करती थी और जज्बात में आंसू करती थी, अपने ही लोग दोस्तों अपने ही लोग मेरी उस आंसुओं पे हंसी उड़ाया करते थे। जिंदगी में एक अचानक मोड़ आया, अपनी लाइफ में सर्वश्री आ गया, अपनी परेशानी लोगों को बताना ही छोड़ दिया। दोस्तों अब तो बुझे हुए दिलों में भी प्यार के दीप जला देते और रोना पड़ा दोस्तों तो आप जैसे प्यारे दोस्तों के साथ हंसते हंसते रो लेते हैं, दोस्तों हंसते हंसते रो लेते हैं। दोस्तों मेरा जन्म, हर बंदे का जन्म भूमि और कर्म भूमि होती है, मेरी कर्म भूमि महाराष्ट्र बन चुकी है लेकिन मेरी जन्म भूमि राजस्थान है। राजस्थान में माउंट आबू का नाम आपने सुना होगा, उसके बाद में 3 घंटे का रास्ता है सादड़ी करके एक गाँव है छोटा सा, लेकिन दोस्तों उस गांव में राजस्थान में लड़की होना यानी धरती में बहुत बड़ा बोझ होना। तो ऑलरेडी घर में 4 भाई 4 सिस्टर थी और बेसब्री से लड़के का इंतजार हो रहा था। जब बेसब्री से लड़के का इंतजार हो रहा था तो पहले कोई सोनोग्राफी नहीं होती थी, पहले वो दाइमा खाली वो देख के बताती थी कि लड़का होने वाला है, इसलिए मेरी दादी ने और पूरे परिवार ने लड्डू वड्डू लाके रखे थे कि लड़का होने के बाद बांटेंगे। और उस जन्म में उस समय मेरा जन्म हो गया दोस्तों, और मेरा जन्म हुआ मेरी दादी बताती है कि शायद उस दिन है ना वो लड्डू तो गाय कुत्तों को खिलाया, लेकिन है ना उस दिन किसी ने ना जैसे घर में मातम कैसे होता है उस मातम मनाया कि किसी ने खाना भी नहीं खाया, है ना। लड़की होना यानी बहुत बड़ा गुना होना था। जैसे थोड़ी बहुत बड़ी हो गई, 4-5 साल की हो गई, और हमारे राजस्थान में बोलते ना बचपन में सगाई हो जाती है, 5-6 साल की उम्र में मेरी सगाई के रिश्ते आने चालू हो गए और मेरे से बहुत बड़े एज वाले लड़के के साथ मेरी सगाई कर दी गई। उस समय हमें पहले लड़के बताए नहीं जाते, ना हमारी हाँ ना आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटी आ चुकी है, लेकिन पहले ये सब कुछ नहीं था। मेरे से बहुत बड़े कम से कम 10 से 12 साल एज में बड़े और मेरी सगाई कर दी बस 6 साल की उम्र में। उसके बाद जैसे ही मैं स्कूल जाने लगी और ससुराल वालों ने बोला कि नहीं हमारे में पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं है, घर के काम में होशियार करो, तो मुझे स्कूल ये समझ लो गई थी पहली दूसरी पढ़ी, और उसके बाद मुझे स्कूल नहीं और सीधी 13 साल की उम्र में दोस्तों मेरी शादी हो गई, मुझे बालिका वधू बना दिया और शादी हो गई। शादी के समय जब माँ बाप रवाना करते हैं ना बेटियों को, एक ही बात बोल के बोलते हैं कि तेरा दुख है तेरा सुख है सब कुछ तेरा ससुराल है। आज जिस घर में तेरी डोली जा रही है ना उस घर से तेरी अर्थी निकलनी चाहिए, कभी जिंदगी में आज से ही तेरा घर पराया है, हंसते हुए भले आना लेकिन कभी जिंदगी में कुछ परेशानी लेके कभी यहाँ पे आना मत, आज से सब कुछ है तेरा ससुराल है। एक 13 साल की लड़की, जब आज की तारीख में 13 साल की लड़कियों को अपनी मम्मा खुद खाना खिलाती अपने हाथ से, उस उम्र में मुझे शादी करके भेज दिया गया था। और उस समय मैंने अपने ससुराल के रंग में, बोलते ना लड़कियां बड़ी मजबूत होती है, वो ऑलरेडी अपने ससुराल के रंग में ढलना धीरे धीरे चालू हो गई, धीरे धीरे चालू हो गई। समाज दुनिया कुछ नहीं मालूम था, और ऐसे ही मेरे 6 देवर जेठ थे हम ससुराल में, और एक ही बिजनेस था। तो मेरे हस्बैंड को सूरत शिफ्ट किया गया, सूरत में हमारे कपड़े का बिजनेस था, और 2-4-6 महीने में वहां दुकान में 8-10 नौकर चाकर थे, तो खाना बनाने की बहुत प्रॉब्लम चलती थी, तो उन लोगों ने मुझे पुनः राजस्थान से सूरत लेके गए, लेकिन मुझे घर से बाहर नहीं, सब्जी भी मुझे घर तक लाके देते थे क्योंकि मुझे बाहर की दुनिया कुछ नहीं मालूम, हमारे में पर्दा रहता है घूंघट वूंघट रहता है वो करके बस घर में रहना बच्चे। उस समय 14 साल की उम्र में मेरे को बेटी भी हो गई थी, है ना, बेटी भी हो गई थी। उसके बाद वही घर गृहस्थ
सी दुनिया, क्योंकि बचपन से यही सिखाया जाता है लड़की को कि बस तुझे खाना बनाना, ये करना, बच्चे पैदा करना, बड़े करना, यही तेरी जिंदगी और यही तेरा काम है। जो सबको सिखाया जाता वही मुझे सिखाया गया था। अचानक बिजनेस पार्टनर था मेरे हस्बैंड के बिजनेस में, ऑलरेडी उसने कुछ ऊंच नीच कर दी बिजनेस में, तो बिजनेस एकदम जीरो पे आ गया। और ये सोचो नोटिस भी आ चुका था कि घर दुकान खाली कर। उस समय मेरा बच्चा है ना, दो लड़की हो चुकी थी, मेरे को एक लड़का हुआ था और ये लड़का एक ही मंथ का था, 1 मंथ का था। और हस्बैंड ने आके बोला ये हो गया और हमें नोटिस आ गया, ये हमारे बिजनेस में इतना लॉस हो गया और हमें यहाँ से अभी कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, हमको इतनी तारीख तक दिया, उसके बाद हमें दुकान सारा बंद करना पड़ेगा। तो वो मेरे सास ससुर को फोन किया, उन्होंने एक ही बोला कि तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल गया, अभी तुम कहीं भी जाओ। मैंने बोला मम्मा मैं छोटी सी बच्चा को लेके अभी कहाँ जाने जाऊंगी, मैं घर आना चाहती हूँ। तो उन्होंने एकदम मना कर दिया कि नहीं तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल गया। हम दो छह देवर जेठ है, जब हम बिजनेस साथ में कर रहे थे तो सबका हिस्सा था, लेकिन जब हम नुकसान हुआ तो उन लोगों ने ये बात बोल दी। मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मा, हमने फोन रख दिया, इधर उधर दोस्तों फ्रेंड सर्कल सबसे बात करने लगे, किसी ने ये नहीं बोला कि नहीं तुम हमारे घर पे आ जाओ। फिर उस समय मेरे हस्बैंड बोला अभी कोई रास्ता नहीं है, तू तो अपने मायके चली जाएगी। मैंने कहा नहीं तुम टेंशन मत करो, मेरी मम्मा ने मुझे ये सिखा के नहीं भेजा कि दुख के समय मायके आओ। मैंने कहा कुछ भी कैसे भी स्थिति रही मैं आपके साथ रहूंगी। तो बोला अभी कोई भी नहीं, अभी यही है कि हमको मरने के सिवा कोई सहारा नहीं। मैंने कहा मैं आपकी बीवी हूँ, मैं आपके साथ मरने को तैयार हूँ, लेकिन ये बच्चा जो पैदा हुआ है, जो अभी तक तो दुनिया भी नहीं देखा है, उसका क्या कसूर। मैंने कहा देखो भगवान तकलीफ देता ना, मैं उनको सिर्फ तसल्ली दे रही थी कि तुम टेंशन मत करो सब कुछ अच्छा होगा, मुझे खुद को नहीं मालूम कि क्या अच्छा होगा, क्योंकि दुनिया ये सब तो मुझे मालूम ही नहीं था। लेकिन एक लेडीज क्या करती है, दुख के समय में हस्बैंड को एक हिम्मत दे सकती है। मैंने कहा तुम टेंशन मत करो, लेकिन मैं खुद टेंशन में थी कि अभी कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, 4 दिन बचे हैं। मैंने उनको एक बार उनके साथ पूना आई थी तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा पूना में तुम्हारा फ्रेंड है, एक बार उसको कॉल करो, शायद वो हमेशा तुम्हारा इतना जिगरी फ्रेंड है कुछ तो वो करेगा, उसको फोन किया। पुणे में बालाजी नगर करके केके मां, तो उसको फोन किया, तो उसको नहीं मालूम था वाकई में हमारे पास कुछ नहीं रहा। उन्होंने तो बोले तू टेंशन क्यों कर रहा है यार, तू आजा अपन दोनों मिलके करेंगे, यहाँ कोई नई शुरुआत करेंगे, ऐसे वैसे वो बोलने लगा। तो एक उजाले की किरण दिखने लगी कि यार चलो कोई तो है, हम लोग है ना बच्चे को लेके ऐसे करके हम लोग पुणे आए। पुणे आने के बाद उनके घर पे रहे, उन्होंने अच्छा वेलकम किया हमारा, रहे 2-4 दिन रहे, तब तक हमको हमारे अंदर की बात समझ में आई कि वाकई में हमारे पास कुछ भी नहीं। उन्होंने बोलने लगे कि अभी तुम है ना, हमारा घर छोटा पड़ रहा है, बच्चों के एग्जाम आए, बोलते हैं ना दोस्तों समझदार को इशारा काफी होता है। मैंने बोला भाई साहब आप टेंशन मत करो, 2-4 दिन में मैं अपना बंदोबस्त कर लूंगी कुछ ना कुछ। दोस्तों 5x5 की एक छोटी सी रूम ली मैंने, उस समय कोई 1000 रुपए किराया था, और अपने 3 बच्चों को, लेडीज मंगलसूत्र क्यों पहनते मालूम, अपने सुहाग के लिए। और मुझे डॉक्टर लोगों ने बोला था कि हस्बैंड को ज्यादा डिप्रेशन में चले गए, ज्यादा टेंशन मत देना। तो मैंने अपना मंगलसूत्र था 3.5 तोले का, वो मंगलसूत्र मैंने बेच के पहले घर लिया और हस्बैंड को और बच्चे को उस घर में बिठाया, और मैंने 5-10 हजार की साड़ी, बोलते हैं ना दोस्तों मुसीबत में किसी को बिजनेस सिखाया नहीं जाता है। ऑलरेडी मुझे नहीं मालूम था दुनिया बाहर कैसी है क्या है, लेकिन मारवाड़ी के बच्चे है ना पेट में ही बिजनेस सीख के आते हैं, तो ऑलरेडी किसको सिखाया नहीं जाता। मैंने वो 5 हजार की साड़ियां ली और घर घर जाके साड़ी बेचना चालू किया, उससे घर का काम नहीं होता था क्योंकि 3-3 बच्चे थे बच्चों का, बल्कि सूरत में मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाते थे, लेकिन पुणे आने के बाद मेरी ऐसी स्थिति थी कि मैं बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाई, तो मैंने घर पे ही थे बच्चे। और मैं सारे दिन ये समझ लूं, मैंने शाम को लोगों के घर का काम भी पकड़ा कि लोगों जो मम्मी पापा के घर पे शायद मैंने कभी कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने यहाँ कि नहीं हिम्मत रखना, बस अपने आप को हिम्मत देती थी कि नहीं शिल्पा हिम्मत रखना, एक दिन अच्छा होगा, एक दिन अच्छा होगा। और मैंने लोगों के घर पे काम भी किया और दिन में साड़ियां बेची, ऐसे करते करते अच्छा खासा होने लगा। फिर मैंने एक ही घर में साड़ी भी बेचने देती रहना भी शुरू कर दिया। फिर मुझे ऐसा लगा गया बच्चों को, मैंने हमारे रविवार पेट में बच्चों को मैंने हिंदी स्कूल में डाला, दोनों लड़कियों को, और हिंदी स्कूल में डालने के बाद मुझे ऐसा लगा गया कि हाँ अभी मुझे बिजनेस थोड़ा समझ में आ गया, तो मुझे कुछ दुकान लेनी चाहिए। मैंने पुणे में गुरुवार पेट में लोगों से कर्जा इधर उधर से 5-10% में कर्जा लिया और मैंने एक दुकान की शुरुआत की, क्योंकि हिम्मत रखा कि नहीं हिम्मत रखूंगी तो सब कुछ होगा। हिम्मत करके मैंने दुकान लिया। बोलते हैं ना दोस्तों जब एक लेडीज किसी के पास कर्जा मांगने जाती है ना, तो आपने आपको समझ में आया होगा इतनी गंदी बातें लोग करते थे, इतनी गंदी बातें कि अगर ऐसा वैसा है ना, आज अगर लड़की है ना
इंसान कहीं भी, जेंट्स कहीं भी कमा के खा सकता है, लेकिन लड़की जब मुसीबत या तो किसी की शिकार होती है या खुद खुशी करती है। भगवान ने मुझे इतनी हिम्मत दी थी कि ऐसे लोगों को मुंह तोड़ के मैं जवाब दे पाऊं, और अपने रास्ता खुद चुन के मैंने अपने गुरुवार पेट में दुकान ले ली। दुकान मैंने इसलिए ली थी कि मेरा अच्छा होवे, लेकिन दोस्तों दुकान का बोलते ना, जिसका पास खुद के पास करोड़ रुपया होता ना, वही बिजनेस में सक्सेस होता है। तो मेरा खुद के पास कुछ नहीं था, लोगों का कर्जा लिया हुआ था, तो ऑलरेडी उस दुकान से मैं कमा कमा के लोगों को ही दे रही थी ब्याज, 10% ब्याज, इसका दुकान का पगार, घर का पगार, बच्चों का, ऐसे करते करते मैं अच्छे के लिए लिया, लेकिन मैं धीरे धीरे दलदल में और फंसती जा रही थी। जितने में एक फोन आया ससुराल से, है ना, 2-3 साल के बाद ससुराल से एक फोन आया, उनको मालूम चल गया हम पूना में है, और उनका फोन आया कि आप लोग है ना ससुराल वापस आ जाओ, यहाँ पूना सॉरी सिंहगंज राजस्थान आ जाओ। तो हमने बोला क्यों, तो बोले कि मेरे दादिया सुसर जी ने मेरे कृषि मंडी सुमेरपुर कृषि मंडी में हमारी दुकान थी, मोल एंड सन्स मेरे हस्बैंड के नाम की थी, वो मेरे हस्बैंड के नाम थी उस समय का, 1 करोड़ रुपए की वो दुकान थी, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड के नाम थी, तो उन्होंने बोला कि आप आ जाओ, जो हुआ जो छोड़ो ये वो। तो मेरे हस्बैंड बोला देखो ऐसे भी अपन यहाँ पे अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे, तो इससे अच्छा अपन राजस्थान चलते हैं। मैंने कहा मैं आपकी वाइफ हूं, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक ही शर्त है कि मुझे बालिका वधू बनाई, मैं ना अपनी दोनों बेटियों को मैं पढ़ाऊंगी। हस्बैंड ने बोला नहीं, जो घर के रूल्स है ना उसी रूल्स को तुझे फॉलो करना पड़ेगा बेटियों को। मैंने कहा तुम्हें मालूम नहीं कि आज अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो शायद इतनी जो मुसीबतों का सामना किया ये नहीं किया करना पड़ता, तुम थोड़ी तो समझो अपने बेटियों के बारे में। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं समाज के आगे नहीं जा सकता, हम बेटियों को नहीं पढ़ाएंगे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो मैं बेटियों के साथ में खड़ी हूं, मैं मेरी बेटियों को बालिका वधू बनने नहीं दूंगी, अगर उसके बाद भी अगर हम पैसा आज नहीं तो कल कमा लेंगे, आप हमारा साथ छोड़ के मत जाओ। लेकिन दोस्तों उस समय हस्बैंड भी शायद चले गए, लेकिन मैंने जिंदगी में हिम्मत नहीं हारी, मैंने ऑलरेडी मेरे दोनों बेटियों को लेके मैं पूना में बैठी रही। ये समझ लो जब हस्बैंड गया था मेरे ऊपर 40 लाख का कर्जा था, 40 लाख का कर्जा था मेरे ऊपर, और उस समय मुझे ऐसा लगा कि अभी जिंदगी में कुछ नहीं रहा, अभी वापस मैं वापस जीरो पे आके खड़ी हो गई, अभी मैं वापस कैसे अपनी लाइफ को मैं चलाऊंगी, क्या करूंगी अभी वापस। क्योंकि मम्मी पापा, अगर आदमी कैसा भी होता है चाहे नहीं कमाए, लेकिन एक लेडीज को ये सिखाया जाता है कि आदमी कैसा भी होता साथ में रहता ना तो दुनिया की हिम्मत थी कि कोई छू भी करे, लेकिन जब अगर आदमी साथ में नहीं रहता तो दुनिया बोलती है कि नहीं औरत को कुछ भी बोलेगी कुछ भी। तो मैंने उनको बोला तुम कुछ टेंशन मत लो, तुम हमें सिर्फ छोड़ के मत जाओ, आज अगर कुछ भी नहीं है मैं कमाऊंगी मैं करूंगी, तुम्हें कभी कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन तुम सिर्फ हमारे साथ में रहो। लेकिन वो नहीं रहे, वो चले गए यहाँ से, और मैंने अपनी बेटियों को लेके यहाँ पे अपनी लाइफ की धीरे धीरे मेरी बेटियों को पढ़ाती रही, और अपनी मुसीबतें बोलते ना दोस्तों, जब घोर अंधेरा होता ना, घोर अंधेरा तो बोलते ना, जब भगवान घोर अंधेरा होता तो एक किरण जरूर आपके सामने आती है, और मेरी लाइफ में दोस्तों वो किरण बनके, वो लाइफ में जो अचीवमेंट होके मेरी लाइफ में आया। एक बोलते ना कलयुग में भगवान खुद चल के नहीं आता है, आज अगर सर्वश्री में आपको किसी ने कांटेक्ट किया है तो ये सोचो उनकी मर्जी से नहीं, ऊपर वाले की मर्जी की तो उन्हें पत्ता भी नहीं हिलता। मुझे जब मैं आई डायरेक्ट सेलिंग में, तो मुझे एक 14 साल के बच्चे ने मुझे ऑलरेडी कॉन्टेक्ट किया, और उसने मुझे बोला कि मैडम बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये वो ऐसा वैसा। मैंने सुना, और सुनने के बाद मैंने उसको पहले बोला नहीं मुझे नहीं देखना, क्योंकि मेरे पास पैसे भरने के लिए भी नहीं थे दोस्तों, क्योंकि मैं खुद मुसीबत में चल रही थी। मैंने उसको बोला नहीं मुझे नहीं करना, ऐसा नहीं करना, मेरे पास कुछ नहीं। वो बोले देखो तो सरी। जब मैंने प्लान देखा दोस्तों, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, मुझे सिर्फ उसमें पैसा दिखाई दिया कि अगर ये पैसा आएगा तो शायद मैं अपना कर्जा खत्म कर पाऊंगी। मैंने ऐसे ही बोला मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं मेहनत कर सकता। बोला मेहनत करना चाहते हो? मैंने कहा मेहनत आप बोलोगे दिन रात, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। तो बोला बस अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आपको लोगों को खाली बोलना है। मैंने कहा ये बात मैं कर सकती हूँ। तो ऐसे करते दोस्तों मैंने उस डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा, और डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा, और धीरे धीरे मैं उसमें काम करते 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 अपना सबसे पहले अपना 40 लाख का कर्जा खत्म किया, 40 लाख। और जैसे मैंने काम की शुरुआत की ना दोस्तों, इतने दिन दुख में किसी ने पूछा नहीं कि तेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तू क्या खा रही है, क्या पी रही है, तेरे बच्चों के क्या, किसी ने नहीं पूछा। और जैसे मैंने डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा तो अच्छे अच्छे लोग
सलाह देने के लिए आ गए, टांग खींचने आ गए लोग। बोलते ना कीड़े मकोड़े अनाज चालू हो जाते हैं, वैसे कीड़े मकोड़े वो भी अनाज जब बोते हैं ना खेत में, तब कीड़े मकोड़े कैसे अनाज को खाने आते हैं। जैसे ही मैंने डायरेक्ट सेलिंग में पैर रखा और जैसे ही लोगों ने आके मुझे भड़काना चालू कर दिया, ये नहीं चलता है, ये चैन सिस्टम है, ये सिस्टम है, वो सिस्टम है, मैंने कहा चलता नहीं है, चलाना पड़ता है, कोई भी चीज चलती नहीं है। और अगर ऐसे पैसा नहीं आता तो आप ही बता दो कि कैसा पैसा आता है, आप ही मुझे बता दो कि कैसा पैसा आता है। आज दिन तक तो किसी ने बताया नहीं, आज दिन तक तो मुझे आके किसी ने पूछा नहीं, और आज मैंने तुमसे सलाह मांगी नहीं, लेकिन तुम लोग सलाह देना है। मेरे ही परिवार के लोग, मेरी परिवार के लोग बोला ये छोटी मोटी दुकानदारी चल रही है ना, ये भी शायद बंद करके भीख मांगनी पड़ेगी। मैंने कहा भीख भी मांगनी पड़ी ना, आज दिन तक तो भगवान ने इतना दिन नहीं आया, मेहनत में अपनी मेहनत पे भरोसा करती हूँ, और भीख भी मांगनी पड़ी ना, तो तुम लोग टेंशन मत करो, इतनी मुसीबत में भीख नहीं मांगी तो आगे भी नहीं मांगूंगी, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों किसी की नहीं सुनी, सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनी, दिल की आवाज सुनी, मेरे दिल ने बोला कि नहीं ये प्लेटफॉर्म सही है, यहाँ पे तुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना, सिर्फ मेहनत करना है। अगर तू शिल्पा मेहनत करेगी तो तू बहुत कुछ, क्योंकि आज बिजनेस में तू अकेली मेहनत कर रही थी, यहाँ पे पूरा टीम वर्क तेरे साथ में है, और जहाँ पे टीम वर्क, और हर समय दुनिया है ना टांग खींचती है, लेकिन एक डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे सिखाया जाता है, जहाँ पे अपलाइन ये बोलते हैं तू कर सकती है, तू कर सकती है, तू कर सकती है, तू कर सकती है। और दोस्तों ऐसे अपलाइनों ने जैसे बोलते बोलते मैं आज धीरे धीरे अपने बच्चों को, दोस्तों है ना, ऑलरेडी मेरी एक लड़की को मैंने कंप्यूटर साइंस करवाया, दूसरी लड़की मेरी सीएस की, लड़का मेरा ऑलरेडी कॉलेज पढ़ रहा है, और ये सफर धीरे धीरे ऐसे हिम्मत करते करते इसी डायरेक्ट सेलिंग से पुणे में 1 करोड़ का फ्लैट लिया, आज घर गाड़ी लिया, बंगला लिया, बच्चों का पुणे के जो जबरदस्त रिसोर्ट है उस रिसोर्ट में मैंने बच्चे की शादी की, पूरा हमारा समाज देखने को आ गया। उसी लेडी को जब हस्बैंड गया था तब लोगों ने बोला था तू क्या करेगी, अकेली औरत कुछ नहीं कर पाएगी, ये नहीं कर पाएगी, लोगों का, लोग जब बोलते थे ना दोस्तों वो चैलेंज अपने अंदर लेती थी, लोग जब बोलते थे वो चैलेंज अपने अंदर ले रही। एक परिवार के में एक समय एक परिवार में गई मेरे रिश्तेदार में, तब उस समय मैं कार में बैठी थी, उन लोगों ने मुझे सिर्फ कार बंद करते समय बोला कभी कार नहीं देखी क्या, मैंने उस समय उनको कुछ नहीं बोला, लेकिन वो कार मैंने अंदर का अंदर कसम खा ली थी कि जिस दिन कार आएगी तब मैं आऊंगी यहाँ पे। और पहली कार मैं i20 ली, उसके बाद मैंने विस्टा ली, और आज मेरे पास अमेज होंडा है दोस्तों। तो जो परिवार में कारें नहीं है वो कारें मैंने लेके दिखा दी, क्योंकि मैंने सिर्फ अपनी अपने अपनी हिम्मत और अपनी जोश पे दावा दिया दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों करते करते आज 13 साल मैंने एक ही कंपनी में काम किया दोस्तों। लेकिन बोलते ना दोस्तों समय के हिसाब से सबको बदलना पड़ता है, समय से हिसाब से सब बदलाव होना पड़ता है, मोबाइल कार हम समय के हिसाब से हर चीज को चेंज करता, लेकिन उस कंपनी ने अपने आप को चेंज नहीं कर पाया। हम तो चलो लीडर थे, हमें नीचे 1-2 लोग काम कर रहे थे, हमको तो चलो पैसा थोड़ा बहुत आ रहा था, लेकिन हमारे नीचे टीम को लोगों को पैसा नहीं आ रहा था दोस्तों, टीम के लोगों को पैसा नहीं आ रहा था। लोग आज मेहनत करना कर रहे थे लेकिन उनको चेक नहीं आ रहा था, वो एक ही आके बात बोल रहे थे कि शिल्पा मैम कुछ और देखना पड़ेगा क्या करे। 13 साल के बाद मैंने कम से कम अगले लॉकडाउन के बाद मैं 6 महीने से मैं कुछ ढूंढ रही थी कि नहीं मुझे कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, मुझे कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। कंपनियों वालों को जब मालूम चला कि शिल्पा मैम कोई कंपनी ढूंढ रही है, बहुत सारे कंपनी वाले आ गए। एक बंदा जयपुर से शायद आज वो इस मीटिंग में बैठे है, उन्होंने बोला शिल्पा मैम मैं मेरी ऑडी गाड़ी लेके आया और सिर्फ प्लान सुना, बोला 40,000 का खाली मैंने डीजल जलाया। मैंने कहा सर वहां बैठ के प्लान कर देते, 40,000 का डीजल जलाने की क्या जरूरत थी। तो बंदा आया प्लान बताया और बोला नहीं शिल्पा मैम हम सोच के ही आपको ज्वाइन करेंगे। मैंने कहा नहीं सर मुझे प्लेटफॉर्म में ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे बिजनेस भी होए और पैसा प्रोडक्ट भी अच्छे हुए और लोगों को पैसा भी आए। उनके प्रोडक्ट अच्छे नहीं थे, बिजनेस था उनके पास लेकिन पैसा ये था, पैकेज बनाया हुआ था, अच्छा नहीं लगा मुझे प्रोडक्ट, मैंने उनको मना कर दिया। फिर और ऐसे 2-4 कंपनी वाले आए, मुझे एक ही बोला, मैंने कहा नहीं सर, बोले आपको पहले महीने से ₹1,00,000 देंगे, देंगे ये देंगे। मैंने कहा ना मुझे ₹1,00,000 चाहिए, मेरे में दम है, 1 लाख नहीं, मैं अपनी टीम के साथ ₹1,00,000 महीने की कमाने की ताकत रखती हूँ। मैंने कहा इसलिए मुझे लैक और ये सब नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए कि कंपनी के प्रोडक्ट में भी वजन होए और बोलते ना पैसा भी कंपनी में अच्छा पैसा है। जब मेरे को बोलते ना दोस्तों कि अचानक एक फेसबुक पे ऐसी मैं बैठी थी, कॉन्टेक्ट बिशन सर, मेरे अपलाइन बिशन सर से, राकेश सर और राजीव सर जो मेरे अपलाइन है, जिन्होंने भाई ऐसे भाई बन गए, उन्होंने एक ही बोला कि शिल्पा दीदी आप काम करो ना करो, आप हमारी कंपनी करो ना करो, लेकिन ये भाई आपके कोई भी काम है, कभी कुछ भी है, ऐसे एक रिलेशन बिल्ड किया। सच्ची में उनकी कला को सलूट करना चाहिए मुझे कि उन्होंने पहले
मुझे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि मैम ऐसे वैसे कंपनी के बारे में बताया। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मुझे सिर्फ पहले प्रोडक्ट भेजिए, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूं, मुझे अकेले को ज्वाइन करना मैं कभी भी कर लूंगी, मेरी टीम है और टीम कंपनी को नहीं मुझे देखेगी, क्योंकि मैं उनके साथ 13 साल काम किया, सारी टीम मेरे को देखेगी। तो आप, मैंने कहा सर पहले मुझे प्रोडक्ट भेजिए। उन्होंने वहां जम्मू से मुझे प्रोडक्ट भेजे, प्रोडक्ट मेरे को आए, 10,000 मैंने भरे, मुझे प्रोडक्ट आए। प्रोडक्ट आने के बाद मैं डॉक्टर नहीं, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मैंने कभी कुछ काम नहीं किया था, तो मैंने प्रोडक्ट देखे। प्रोडक्ट देखने के बाद मैंने मेरे डॉक्टर, मेरे कोई फ्रेंड सर्कल में डॉक्टर है उनको दिया, फिर पार्लर है उनको दिया, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं, मैं नहीं पहली बार नहीं बता सकती कि प्रोडक्ट सब A1 है। मेरे फ्रेंड लोगों को दिए, पार्लर वाले को दिए ऐसे, और होम केयर तो हम ऑलरेडी घर में यूज करते तो हमें इतना तो मालूम है, तो ऐसे करके मैंने लोगों को दिए। 10-15 दिन बाद लोगों के रिजल्ट आए, शिल्पा मैम वो चीज मिलेगी क्या, वो चीज है क्या, वो चीज है क्या। मैंने कहा क्यों यार, बहुत अच्छा है, बंदे को ये हो गया, वो डाबो कर दिया, उससे शुगर ये हो गया, पाइल्स के है, वो मेरी एक फ्रेंड है उनको दिया, वो उसका तीसरे नहीं, मुझे मैसेज आ गया शिल्पा उसको फर्क पड़ा, उसमें लग तो अच्छे है इसका मतलब। फिर मैंने सर को बोला, उसके बीच में एक और कंपनी थी मेरे साथ में, 2 कंपनी माइंड में चल रही थी कि दोनों में से मैं क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन परवेज जो मैं कोई भी काम तो नहीं दिया दोस्तों, लेकिन उन्होंने हर समय पापा बन के, हर समय मेरे साथ में ढाल बन के खड़े रहे। मेरे अंकल है ब्रिगेडियर सिद्धू अंकल जोधपुर से, तो मैं कोई भी डिसीजन लेती मैं उनके बिना डिसीजन लेती, और सलूट करती हूँ मेरे अंकल को मैं, कि हमेशा जोश और जुनून, जब जब मेरा जोश जुनून कम पड़ने लगा उसी समय उन्होंने जोश और जुनून दिया मुझे। तो थैंक यू सो मच अंकल पापा जो भी। तो ऑलरेडी अंकल ने जोधपुर हमें बुलाया, अंकल बोला बेटा तू आ जा, मैंने कहा अंकल मेरी 2 कंपनी मेरे माइंड में चल रही है, तो अभी दोनों में से एक को डिसाइड करना है। तो अंकल बोला कोई बात नहीं बेटा तू जोधपुर आ जा। तो जोधपुर बिशन सर और अमित सर जोधपुर आए, जो और जब मेरे को तो यही मालूम था ये दोनों आ रहे, फिर मैं वहां गई और साथ में देखा परवेज सर को, मैं सर को गुड मॉर्निंग किया, नमस्ते, फिर बैठे हम लोग, फिर मीटिंग चालू की सर ने। दोस्तों अभी आप लोगों को मालूम है परवेज सर के बारे में कुछ ज्यादा नहीं, सच्ची में उनके साथ बैठे उनका नॉलेज देखते मैं देखते ही रह गई। मेरे को ऐसा अपलाइन चाहिए था, ऐसा जिस कंपनी में जाऊं ना उस कंपनी में नॉलेजफुल बंदे चाहिए जो हाँ ऐसे हर चीज हमें गाइड कर पाए, हर चीज ये कर पाए, सिर्फ ये सब नहीं। क्योंकि देखो तो नेटवर्किंग 4 पिलर के ऊपर खड़ी होती है, सबसे पहला अपलाइन आपका कौन है, दूसरा बात आपका प्रोडक्ट क्या है, तीसरा कंपनी और चौथा मार्केट, ये चार बाकी सारी प्रोडक्ट मैंने देख लिए थे। कंपनी के MD सर तो ऑलरेडी A1 है, जबरदस्त है, और मार्केट हमारा महाराष्ट्र पूरा खाली पड़ा सर्वेश्री के लिए, बाकी रहे अप्लाई। जब मैंने परवेश सर के सामने बैठी ना, मैं सुनती रही, परवेश सर ने मुझे प्लान किया, 2 घंटे तक हमारा 2-3 घंटे तक प्लान चला। मैंने सर को एक ही बात बोली, सर जो भी पूछूंगी ना आज ही पूछूंगी, उसके बाद सर कभी जिंदगी में मेरे पास सवाल नहीं रहेगा, सिर्फ काम रहेगा। सर भगवान भी अगर मुझे आपके बोले ना कि सर्वेश्री नहीं चलेगा, तो ये शिल्पा में ताकत है कि चलता नहीं है चला के दिखाएगी, मैंने कहा। तो इसलिए मैंने उसको सर को बोला, मैंने कहा सर पूरा प्लान किया, और उसके बाद तो दूसरी कंपनी का बोलने का अंकल को मौका ही नहीं मिला मुझे कि मैं दूसरी कंपनी के बारे में शेयर करूं, क्योंकि है ना सर का प्रोडक्ट तो ऑलरेडी मैंने देख लिया, और बिजनेस प्लान जब मैंने देखा ना, क्योंकि आज दिन तक जो मैं पहले कंपनी कर रही थी ना उसमें एक ही तरह से खाली बाइनरी का पैसा था, हमें तो मालूम ही नहीं कि कंपनी में इतना पैसा भी आता है, क्योंकि मैंने कभी कोई कंपनी देखी नहीं। और सर ने जब मुझे डायरेक्ट वाली इनकम बताई, मैंने कहा यार इतनी जबरदस्त, ये तो सबसे बड़ी इनकम है, एक ही इनकम काफी हो गई हमको, क्योंकि हमको तो मालूम है। उसके बाद रीपर्चेस में भी, और दोस्तों ये जो ग्राउंड एम्बेसडर जो बनी हूं ना, ये किससे बनी दोस्तों, रीपर्चेस, क्योंकि कंपनी के देखो जॉइंट आप किसी को भी एक बार कर लोगे, कैसे भी दोस्त है ना, फ्रेंड सर्कल है ना, एक बार आप डरा के धमका के बोल के गुस्सा करके एक बार किसी को भी आप ज्वाइन कर लोगे, लेकिन बंदा दोबारा काम कब करेगा, जब आपके प्रोडक्ट में दम होगा। और दोस्तों सर्वेश्री के प्रोडक्ट में जबरदस्त यानी जबरदस्त दम है, क्योंकि आज मुझे रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी लॉकडाउन में पूरा ये क्वारंटाइन हमारे पुणे में जितने क्वारंटाइन सेंटर है वहां पे सामान दिया। आज सुबह भी डॉक्टर का थैंक यू सो मच करके शिल्पा मैम आया है ना, ऐसे ऐसे लोगों का थैंक यू आता है। दोस्तों मेरे बेटी के ससुराल है वहां पे मैंने क्वारंटाइन वहां पे कोरोना के किट दिए, वहां पे अच्छे रिजल्ट आए, तो ऑलरेडी प्राउड, तो ऑलरेडी मुझे प्रोडक्ट पे तो जबरदस्त, लेकिन जब मैं बिजनेस देखा ना मैंने कहा वाह बस यही प्लेटफॉर्म चाहिए था, अब भी तो जबरदस्त करेंगे जो चाहिए। मैं तो ऐसे भी पैसा आते सर, इतने भी पैसा आते, तो अंकल ने बोला तेरे को 1000 दिन से बोल रहा हूँ कुछ सुन, तुझे एक के सिवा कभी कुछ दिखा ही नहीं। मैंने कहा नहीं सर सच्ची में इतना पैसा, अब तो बस सर। और वाकई में थैंक यू सो मच परवेश सर,
जो इस शिल्पा के अंदर जिस तरह से आपने प्लान किया वो अंदर नस नस में उतर गया था, नस नस में उतर गया था। और उसके बाद मैंने ज्वाइन किया उधर से, और दोस्तों उधर से ही उसी दिन से मैं कैपिंग मारना 15 दिन तक लगातार कैप पे कैप, क्योंकि एक मिनट मैं ऐसी लेडी हूं ना कि या तो कोई चीज करती नहीं, और करती ना फिर पीछे मुड़ के भी नहीं देखती। फिर मेरे पुनः आई, जैसे लोग मुझे वो बोलते ना वो कीड़े मकोड़े खाने चालू कर दिए। किसी ने सर्वश्री किया होगा वो लेडी, अभी सर्वश्री तो अपना आप में मस्त है, लेकिन अगर किसी ने काम नहीं किया, अगर वो आगे नहीं बढ़ी तो ऐसे तो एमवे सबसे बेस्ट है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको खराब भी बोलते, बहुत सारे अच्छे भी बोलते। जो काम नहीं करता उसको पैसा नहीं आता, जो काम करता उसको पैसा आता है। तो ऑलरेडी फिर मुझे वो बोलते ना कीड़े मकोड़े खाने चालू कर दिए, मैंने उनको एक ही बोला, मैंने कहा चला नहीं तुमसे नहीं चला, लेकिन 3 महीने के अंदर देख लेना चला के दिखाएगी। तो बोला शिल्पा अगर ऐसा होगा तो मैं तेरे साथ वापस आ जाऊंगी। मैंने कहा ओके, और दोस्तों उस मैम का फोन भी आ गया कि शिल्पा मैं वापस तेरे साथ सर्वश्री ज्वाइन करना चाहती हूँ, क्योंकि चलता नहीं है दोस्तों, चलाना पड़ता है। सर्वश्री अपना आप में ही सर्व है, उसको चलाइए, वो ऑलरेडी अपना आप में सर्व है, आप आगे बढ़िए। तो ऐसे करते करते दोस्तों फिर 15 दिन बाद ही आरटीपी था, आरटीपी उत्तराखंड में आरटीपी था। सर ने मुझे बोला, तो उस समय मैं जोधपुर से पुणे आते थे, मुझे डॉक्टर अहमदाबाद में कुछ काम था, ऐसे करते करते मुझे 4-5 दिन और दूसरे तीसरे दिन ही आरटीपी था। तो मेरी टीम में 3 लोग थे, हम 3 लोग आरटीपी में गए, और दोस्तों सच्ची में हम बोलते ना हमने काम तो बहुत किया था, लेकिन ऐसी आरटीपी, ऐसी गाइडलाइन, ऐसा नॉलेज शायद कभी नहीं किया। अब पहले हमारे पास नॉलेज नहीं था, तब हमने 4 करोड़ कमाया दोस्तों। अब तो हमारे पास उस जहाज में बैठ गए जो हम दुनिया का भ्रमण कर सकते हैं, और उसके जहाज के कैप्टन हमारे परवेश सर और संजीव सर है दोस्तों। तो फिर तो डरने की जरूरत ही नहीं, वो डूबेगा नहीं, ये मेरी भी गारंटी है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे कैप्टन है कि हजारों लोगों को ले चलेंगे, उठ चलेंगे, आप ध्यान रखना दोस्तों। तो ऑलरेडी मैंने पूरा देखा, और आरटीपी में हम लोग गए, मेरी टीम के 3 ही लोग चले थे, और मैंने उस दिन ऑलरेडी मैं पहली कंपनी में 40,000 लोगों की मेरी टीम थी। मैंने उस दिन सबसे लास्ट में, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी में जीरो से आई थी, कोई लेवल से नहीं, जीरो से आई थी, और मुझे मालूम था कि उस दिन मैं सबसे लास्ट वाली कुर्सी में बैठी थी, और मुझे मालूम था कि एक दिन मैं लोगों को रेगुलेशन करती थी, और आज मैं लास्ट बैठी हूँ, लेकिन मुझे बहुत जल्दी फ्रंट कुर्सी में जाना है, किसी को बोल के और किसी को ऐसे नहीं अपना लेवल लेके जाना। उसी दिन मैंने अपने आप को ठान लिया था कि नहीं शिल्पा तुझे फ्रंट कुर्सी पे जाना है। और उसी के बाद मैंने अपना आने के बाद दोस्तों मेरी टीम में 3 लोग आए, और 3 लोगों को परवेश सर, संजीव सर, और सारे बॉबी सर, संजीव सर, अपना ये सारे सर जितने भी अपलाइन थे हमारे, सारे अपलाइनों ने वो नॉलेज, वो ट्रेनिंग दे दी, कि जिसकी वजह से वहां पे जबरदस्त, वहां से लोग जब निकले ना हम लोग दोस्तों, लोगों को ना नींद ना चैन का। सर ने एक बात बताई थी कि जब ही चलेगा जब आप प्लान खुद प्रेजेंटेशन करोगे, अपलाइन के भरोसे नहीं। और वो लोगों ने ट्रेन से अपना प्रेजेंटेशन, हमारी टीम में एक साइस्ता मैम है, उन्होंने वहां से ही अपना प्रेजेंटेशन, अरूप सर है, वहां से ही अपना प्रेजेंटेशन करना चालू कर दिया था। और पुणे आने के बाद एक ही बोला, शिल्पा मैम आप अलग जाओ, हम अलग जाते हैं, क्योंकि एक ही जगह पे 2 जना रहना जरूरी नहीं है। 2 होशियार आदमी अगर एक ही जगह काम करते हैं तो इसका मतलब एक तो ये समझ लो कि बुद्धू है और एक होशियार है। तो अगर हमें बुद्धू नहीं बनना है, आप अलग कीजिए, हम अलग कीजिए, और हम अपनी टीम को बढ़ाते हैं। ऐसे करके वो लोगों के अंदर वो फायर बढ़ गया था। मैंने उस दिन अफसोस किया, अगर मेरे 2 की जगह अगर मैं और ज्यादा 10 लोगों को लेके जाती तो आज क्राउन एम्बेसडर नहीं दोस्तों, डबल क्राउन एम्बेसडर में बन जाती थी। लेकिन कोई बात नहीं ना, आरटीपी खुल गया वापस, अभी मैं नहीं, मेरी टीम में क्राउन एम्बेसडर बनेंगे दोस्तों, मेरी टीम में क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। तो ऑलरेडी वो ऐसी जबरदस्त जर्नी रही, और दोस्तों इतना जबरदस्त सफर चल रहा है इस लॉकडाउन में। लॉक थे लेकिन डाउन नहीं थे दोस्तों, लॉक थे लेकिन डाउन नहीं थे। हमने रीप्रोजेक्ट किसी को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि अंदर घर में बैठे हुए थे, जैसे टाइम मिला वैसे हम लोगों को कांटेक्ट करते रहे, और जूम के थ्रू हम लोगों को ज्वाइन करते रहे, मीटिंग करते रहे, जबरदस्त तरीके से काम चलता रहा। और 3 महीने में दोस्तों पहले महीने की इनकम मेरा 40,000 थी, दूसरे महीने की इनकम मेरी 55,000 थी, और तीसरे महीने की इनकम दोस्तों 96,000 है। 96,000 है, अभी तो शुरुआत है दोस्तों, अभी तो पिक्चर चालू हुई है, अभी तो ये समझो टेलर था, मूवी तो अभी तक बाकी है। तो जबरदस्त तूफान खड़ा करेंगे, जबरदस्त काम करेंगे। और दोस्तों ये बोलते ना लोग, मैं कैसे करूं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं कैसे करूं, मेरा हस्बैंड साथ नहीं दे रहा, मैं कैसे करूं ये।
नहीं दोस्तों, अगर आपके अंदर जोश और जुनून है ना, तो किसी की जरूरत नहीं। आपके सपने कितने बड़े हैं, आप क्या करना चाहती हो, आपके सपनों को आप कितना ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हो, वो आपके ऊपर है दोस्तों, आपके ऊपर है। ये एक्सक्यूज है, हस्बैंड साथ नहीं देता, वो ये नहीं देता। दोस्तों जब मैं घर से बाहर वर्किंग के लिए निकलती ना, मैंने अपनी लाइफ बोलते ना, मैंने अपनी लाइफ अकेली संघर्ष नहीं किया, मेरे बच्चों ने भी मेरे साथ मेरे संघर्ष किया है। जब मैं घर बाहर, देखो घर पे बैठ के काम नहीं होता है, कभी बाहर भी निकलना पड़ता है। अगर लाइफ में आपके सपने कितने बड़े, उसके आगे कुछ नहीं। जब हम बाहर निकलते ना दोस्तों, जब बाहर निकलती थी काम के लिए ना, लोगों की बातें क्या थी मालूम है, हस्बैंड नहीं है ना इसलिए मजे करने जा रही है, ये करने जा रही है, वो बहुत गंदे लोगों के सब थे। लेकिन कभी भी लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दिया। अगर लोगों की बातों पे ध्यान दिया होता ना दोस्तों, तो शायद आज भी मैं वही होती, आज भी मैं वही होती। भगवान ने दो कान इसीलिए दिया कि अगर गलत बात है तो एक कान से सुनो और एक कान से निकाल दो। मैंने सिर्फ अपने टारगेट को फोकस किया, अपने काम को फोकस दिया, अपने बच्चों का एजुकेशन के लिए सीरियस थी। मुझे मालूम था कि लोगों की बातों से ज्यादा मेरे बच्चों के सपने हैं। मुझे बालिका वधू मेरे बच्चों को नहीं बनाना, मेरे बच्चों को अच्छी लाइफ देनी है, इसलिए मुझे लोगों की बातों पर कोई मुझे असर नहीं किया गया, लोगों की बातें मुझे कोई असर नहीं किया गया। और मैं जैसे तैसे अपनी लाइफ को चलाते चलाते मैं दोस्तों यहाँ तक पहुंच गई। और बोलते ना दोस्तों यहाँ तक पहुंच गई, लेकिन कंपनी में अभी तो शुरुआत है दोस्तों, अभी तो देखना मेरी टीम में, अभी तो लॉकडाउन में मैं अगर इस पोजिशन हम पहुंच चुके हैं तो सोचो कि अभी तो लॉकडाउन खुलने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो हमारी टीम में जो भी लीडर है दोस्तों, 2021 तक एंड तक मेरी टीम में 10 लीडर जो मैंने चुन लिए हैं, उनको 1-1 लाख रुपए की इनकम आना चालू हो जाएगी। और मेरी टीम में ज्यादा नहीं, कम से कम 5 क्राउन एम्बेसडर निकलेंगे, ये मैं आज आपको खुला सबके सामने ये वादा करती हूँ दोस्तों। और 2023 तक ये शिल्पा मैम की इनकम होगी 10 लाख से अबव जाएगी। आप भली देख लेना, मेरा फेसबुक पे मैं जरूर आपकी इनकम डालूंगी 2023 से। और 2025 में दुनिया की ऐसी कोई गाड़ी जो बनेगी वो शिल्पा मैम के पास होगी 2025 तक। और जब तक सर्वश्री, जिंदगी भर सर्वश्री के साथ हूँ, आधी लाइफ मैंने एक कंपनी में निकाली, आधी लाइफ। दोस्तों कंपनियां चेंज करने से करोड़पति नहीं बनते हैं, मेहनत करने से करोड़पति बनते हैं, मेहनत करने से करोड़पति। हर इंसान में वो पावर होता है जो चाहे वो कर सकता है, इंसान में वो पावर होता है जो चाहे वो कर सकता है, वो चाहता है तो भगवान को भी जमीन पे ला सकता है। इंसान में वो पावर होता है कि अगर भेड़े के बालों को हाथ दे दे तो वो राजा की पोशाक बन जाती है। इंसान में वो पावर होता है कि मिट्टी को हाथ दे दे तो वो राजा का महल बन जाता है। इंसान में वो पावर होता है दोस्तों कि अगर एक बार अपने आप को छू जाए तो उसका गुण 1000 गुना उसका पावर बढ़ जाता है। मैं प्रूफ करना चाहती हूँ, प्रूफ कर दिया और प्रूफ करना चाहती हूँ। मैं अनाज का वो दाना नहीं हूँ जो गोदामों में पीसा जाता है, गोदामों में सड़ता रहता है, जो चक्कियों में पीसा जाता है। मैं अनाज का वो दाना हूँ दोस्तों कि एक बार बोने से हजार और हजार से लाखों उत्पन्न होते हैं, लाखों उत्पन्न होते हैं। थैंक यू।